हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट, वो कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अंदर अभी आपको ध्यान से जो भी वैरायटी रहती है उन पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप ध्यान दीजिए कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि जो हमारा ए स्क्वायर माइनस 4ए इक्वल टू आइडेंटिटी को हम उधर भेज देते, माइनस आई हो गया, और माइनस को इधर मैं दोबारा भेज देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कीजिए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड कीजिए, आइडेंटिटी वन की तरह से होता है, ये ए इनवर्स रह जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 4i हो जाएगा, एंड प्लस का जो भी है ये हमारा माइनस का ए आई बचेगा, क्या बचेगा, ए आई। तो आई मीन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा वन की तरह से बिहेव करती है। तो अब इसके अंदर देखना, माइनस ए क्या है भाई, ए हमारी जो मैट्रिक्स है 2 1 3 2, और प्लस 4i, 4i मीन्स इसके अंदर 1 0 0 1 इक्वल टू ए इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 प्लस 4 2 बचेगा भाई, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू ए इनवर्स। इसके अंदर आपको कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि आपको इसके अंदर क्यूबिक टर्म दी जाती तो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत है, किसकी, ए स्क्वायर की भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आप देखिए क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, बाई मैट्रिक्स मेथड, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है, और बाई मैट्रिक्स मेथड कह सकते हो, क्रैमर रूल कह सकते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह सकते हो। इसके अंदर जो कोफिशियंट्स है ना वो हमारी मैट्रिक्स ए होती है बच्चों, यानी इसके कोफिशियंट 1 -1 2 3 4 एंड -5, फिर है 2 -1 एंड 3, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर ये ए मैट्रिक्स हो गई हमारी, ए मैट्रिक्स के बाद जो मैट्रिक्स बी है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो राइट हैंड साइड में गिवन है ना, 7 -5 एंड 12, ठीक है। और इसके बाद जो मैट्रिक्स एक्स होती है उसके अंदर जो वेरिएबल यूज है वो लिख दिए जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स लिख ली है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो आपको ध्यान से देखनी है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इसके आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे बच्चे, क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे सोल्व किए जाते हैं देखिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूं बच्चों, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कोफैक्टर और माइनस निकालने सिखाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो जिनका सम ओड होता है उनका साइन चेंज करना हूं बाद में करवाता हूं, पहले माइनस लिख लीजिए आप डायरेक्टली। फर्स्ट के लिए जैसे आपने सोल्व किया 12 -5 7, इसके लिए 9 + 10 19, फिर इसके लिए हमारा हो जाएगा -3 और -8 -11, फिर इसके लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 -4, इसके लिए निकालते हैं तो 3 -4, जब हमने इसके लिए सोल्व किया तो -3 एंड +2 आएगा, -3 एंड +2 तो -1 ही बच रहा है, फिर इसके लिए 3 -4, फिर इसके लिए कर रहे हैं तो -1 एंड +2 वन हो जाएगा, फिर इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 -8, फिर इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो -5 -6, और फिर इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो 4 + 3 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर सबसे पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स, इसका
ट्रांसपोज ले दिया जाता है, मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको अभी बताया ये माइनस निकले आपने कोफैक्टर के लिए, जो हमारे जितने भी ये ओड है ना उनके साइन चेंज कर दीजिए इनका। जैसे ए टू थ्री है, ये थ्री टू है हमारा, तो इसका सम फाइव बनेगा, ठीक है। आईजे का जो, जिसका आईजे का सम ओड बनता है उसे साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब ये वन माइनस थ्री इलेवन एंड सेवन, ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इनवर्स ऑफ। बहुत ही नजदीक आप, सबसे पहले इसमें आपको डिटरमिनेंट की जरूरत है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, वन इंटू ये ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वन इंटू नाइन और प्लस टेन नाइनटीन, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस टू इंटू ये और ये छोड़ दिया तो माइनस थ्री और माइनस एट, माइनस इलेवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस इलेवन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है। नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा ये, माइनस ट्वेंटी टू फोर आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया फोर, तो फोर आ गया। तो अब क्या है कि इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, यदि इनवर्स आपको फाइंड करना होता तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स यदि आपको फाइंड करना है तो आप डिटरमिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड कर दीजिए। तो अब वन बाय फोर को बाहर ही रखिए, ये जो भी आएगा हमारा ये लिख दिया सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन, वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री इलेवन सेवन, मल्टीप्लाई करने जरूरी नहीं है, इनवर्स बन चुका है हमारा, ठीक है। अब जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्या होता है ए इनवर्स बी, तो इसके लिए इनवर्स के साथ बी की प्रोडक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखना, ये हमने कोफैक्टर फाइंड किए हैं, उसके बाद उनका ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट हो गया है, उसको डिटरमिनेंट फाइंड किया और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी इसका जो लास्ट स्टेप है वो सोल्व करवा रहा हूं मैं, तो जो लास्ट स्टेप होगा तो लास्ट स्टेप के अंदर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा यहां पर था टू बी के अंदर, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने जो भी फाइंड किया ना, वन बाय फोर बाहर ही रखिए आप, ठीक है। तो सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन, वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री इलेवन एंड सेवन, और इसको आप b से प्रोडक्ट करेंगे भाई, x ये b कौन है हमारा, सेवन माइनस फाइव एंड टू, तो ये x कौन होता है, ये हमारा ये जो भी वेरिएबल है ना मैट्रिक्स के अंदर वो है ये हमारे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं वन बाय फोर, प्रोडक्ट आपको मैंने सिखा रखी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फोर्टी नाइन माइनस फाइव माइनस सिक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस वन थर्टी थ्री नौ तिरसठ से, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस फाइव हो जाएगा प्लस ट्वेंटी टू, फिर इसकी इसके साथ माइनस सेवेंटी सेवन प्लस फाइव प्लस फोर्टीन, इनको अब सोल्व कर दीजिए, जो भी आता है ना हमारा, इलेवन माइनस किया थर्टी एट, ये अभी माइनस में बच रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी और इसकी प्रोडक्ट करी थी ये माइनस में आ गए थे हमारे एलिमेंट्स, तो फिर ये प्लस फाइव हो गया था। तो इस प्रकार से इनको आप सिंप्लीफाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो भी आएंगे ना वो जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की आ जाएगी, सेकंड वाई की और थर्ड जेड की आएगी। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था स्टूडेंट्स, यदि इतने काम में फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा है फोर डिटरमिनेंट वो कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।